प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए रूहानियत का रास्ता बड़ा खोल खोल कर समझा गए हैं। जब भी हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते हैं, तो जिस मोड़ पर हम ज़िंदगी के हों और जो भी हलचल हमारी ज़िंदगी में हो रही हो, उसकी समझ हमें आने शुरू हो जाती है। हर एक इंसान किसी न किसी ऊंच नीच में से गुज़र रहा होता है, और बहुत सी बार जैसे जैसे ज़िंदगी गुज़रती है, वैसे वैसे लगता है कि शायद मुश्किलें और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपनी मुश्किलों की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं जो हमारा फिक्र कर रहे हैं। अगर हम बीमार भी होते हैं तो दवाई भी वो लेके आते हैं, डॉक्टर के पास वो लेके जाते हैं। तो एक बच्चे को ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र फाका नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, कॉलेज में पहुँचते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम्स का प्रेशर और नौजवानी के प्रेशर इंसान की ज़िंदगी में आना शुरू रहता है। रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, कुछ प्यार से चलते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ में कड़ावत आ जाती है, और फिर जैसे जैसे इंसान की शादी होती है, उसके अपने बच्चे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो उसको लगता है कि मेरी सब चीज़ें सही हो नहीं रही। तो उस हालत में हम ज़िंदगी जिए कैसे? अगर हमें ये लगना शुरू हो जाए कि हमारे साथ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, यहाँ से भी दुख दर्द आ रहा है, वहाँ से भी दुख दर्द आ रहा है, तो फिर इंसान सुख चैन की ज़िंदगी जिए कैसे? संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू पर कुछ ना कुछ कहा है, ये समझाने के लिए कि हम ज़िंदगी को जाने, जाने कि हम कौन हैं, जाने हमारे साथ क्या हो रहा है, समझें कि कैसे हम सुख चैन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अलग अलग गज़लों के ज़रिए एग्ज़ाम्पल्स देकर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हम जो ज़्यादातर ये समझते हैं कि दुख दर्द शायद हमारे ही अंग संग हैं, हम जो ये सोचते हैं कि बाकी तो सारे सुखी हैं, सिर्फ हमें ही तकलीफ हो रही है, तो हम जाने कि जो ये ज़िंदगी है, ये एक जर्नी है जिसमें ऊंच नीच आती रहेगी, और जब हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे, उसके बाद खुशियां ही खुशियां हमारे अंग संग होंगी। जब तक हम ज़िंदगी को सही तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक इस शरीर के दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मानेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हर एक ज़र्रे के अंदर
एक पहाड़ है। ये समझना बड़ी बड़ी मुश्किल होता है कि छोटी सी चीज़ में बड़ी चीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र कयामत था, कि जो गम से भरी हुई ज़िंदगी है इसमें से हम गुज़र रहे हैं, ये हम सब का सफ़र सदा सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा, कि हर एक ज़र्रे के सीने में कोहसार मिले। कह रहे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी पहाड़ मिले। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि नानक दुखिया सब संसार, कि हर एक इंसान यही सोचता है कि मुझे बहुत से दुख हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर एक ज़र्रे में पहाड़ हैं। हर एक ज़र्रे को अगर हम सही मायने से समझ पाएंगे तो फिर हम सुख चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे। जब गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, तो यही कहा जाता है कि सो सुखिया जो नाम आधार। तो सुखी कौन है? जो नाम के साथ जुड़ गया। इस समय क्या हो रहा है अगर हम देखें तो हमारी हालत क्या है? हम सब अपने आप को इस शरीर के साथ ही जोड़ लेते हैं। जो हमारा असली रूप है वो आत्मिक है, उसका ध्यान बाहर की दुनिया में मन इंद्रियों के गार्ड के जरिए जा रहा है। तो हम अपने आप को एक भारी आत्मा के माफक देखते हैं। हम अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़े हुए हैं और उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। हमारा ध्यान मन इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जाता है। जो कुछ इंसान इन इंद्रियों के घाट पर अनुभव करता है वही वो समझता है कि सही है। तो जब तक हम अपने आप को इस शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ पाएंगे तब तक असलियत की जानकारी हमें मिलेगी नहीं। कि बार 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 महापुरुष समझा गए ये शरीर तो माटी का बना है और माटी में ही मिल जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और इसे समझाने के लिए फरमाया है कि कब से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी और उसमें इस शरीर का क्या महत्व है। वो फरमा रहे हैं कि सुबह अजल से मैं चला, शामे अबद तक आ गया। कह रहे सृष्टि के शुरुआत से मैं चला हुआ हूँ, जब से सृष्टि बनी, जब से प्रभु ने सृष्टि रची, अपने आप को अपने से अलग किया, आत्माएं बनाई, अलग अलग मंडलों में बसने के लिए भेज दी, तब से हमारी आत्मा चल रही है। कि सुबह अजल से मैच है, तब से हमारी जर्नी चल रही है। कभी एक योनि में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, तो हम जीते रहे हैं, जीते रहे हैं, जीते रहे हैं। और शामे अबद तक आ गया कि अब मैं इस ज़िंदगी के मोड़ तक पहुंच गया हूं। वो फरमा रहे हैं कि उम्र दराजे शौक है। कह रहे जो मेरी प्रेम की ज़िंदगी है बहुत लंबी है, क्योंकि प्रेम के ज़रिए ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं। प्रभु का प्रेम जो मैंने अपने अंदर पाया, कि उम्र दराज शौक है मेरी हयात मुक्सकर। कह रहे कि मेरी प्रेम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, लेकिन ये जो शरीर है
इसकी ज़िंदगी बड़ी छोटी है। इस शरीर में जब हम आते हैं तो हम चंद क्षणों के लिए आते हैं, 50, 60, 100 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं। अगर हम देखें कि कब से हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से दूर हुई है, तो सुदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा जिसकी जर्नी लाखों करोड़ों सालों से चल रही है, ये छोटा सा समय मिला है इस शरीर में जिसमें कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक हैं। और इस शरीर में होते हुए अगर हम ऐसे जिए जैसे कि हम एक भारी आत्मा हैं, तो फिर ये मौका भी गुजर जाएगा। तो करना क्या है, हमें अंतर आत्मा होना है, हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, हमें जानना है कि सब कुछ हमारे भीतर है, हमें शरीर के साथ नहीं जुड़ना, हमें आत्मा के साथ जुड़ना है, हमें ये अनुभव करना है कि सब कुछ आत्मा है, शरीर नहीं है। ये तब होगा जब हम अपने भीतर शब के साथ जुड़ पाएंगे। जितनी देर मन इंद्रियों के ज़रिए बाहर की चीज़ों से जुड़ते रहेंगे तो वही असली समझ में आएंगी, लेकिन जैसे जैसे शब के साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं वो हटेंगे और असलियत क्या है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। हम आंखें बंद करते हैं, अभ्यास के लिए बैठते हैं, हमें लगता है अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखता नहीं, सोचते हैं कुछ है नहीं, शायद सब अंधेरा ही होगा। जब महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं जो उनके अनुभव हुए, तो बार 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 हमें पढ़ने को मिलता है कि अंदर की रोशनियाँ हजारों गुना ज़्यादा हैं बाहर की रोशनियों से। इंसान सोचता है ऐसे हो भी सकता है कि इस सूर्य की रोशनी से ज़्यादा रोशनी कुछ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, कई एग्जाम्पल्स साइंटिफिक दुनिया में आ रहे हैं कि जहाँ क्वेजर्स और ये चीज़ों की रोशनी बहुत ज़्यादा है, और वो भाई बहन जो अभ्यास करके मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ के अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाते हैं, वो फिर उन रोशनियों का अनुभव कर पाते हैं। और जब उस रोशनी का हम अनुभव करते हैं तो जैसे इनलाइटनमेंट कहा गया, अपने आप को सही रूप में जानना, जहाँ पर के अंधेरा दूर हो और जागृति हो, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उस अवस्था में हम पहुँचते हैं और तब हम इस ज़िंदगी को एक दूसरे मोड़ से देखना शुरू करते हैं। अभी तो हम सोचते हैं, अगर बच्चा होगा तो सोचता है मैं इस परिवार का बच्चा हूँ, अगर माँ होगी घर में तो सोचती है मैं माँ हूँ, मैंने खाना बनाना है, बच्चों का ख्याल करना है, अगर पिताजी का रोल है हमारा हम सोचते हैं हाँ मैंने कमा के लाना है और प्रोवाइड करना है फैमिली के लिए, और बुज़ुर्ग हो गए, दादा दादी हो गए, रोल बदलते चले जाते हैं, क्योंकि हम बाहरी रूप से शरीर के साथ बाहर की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठते हैं, जब ध्यान अंदर की दुनिया में डालते हैं, तब हमें जाके समझ में आता है कि हम तो शरीर तो हैं ही नहीं, ये तो एक पिंजरा है जिसमें हम इस समय कैद हैं। इस पिंजरे से हम छूट सकते हैं, इस पिंजरे से आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम ध्यान सही तरीके से अंदर की दुनिया में लगाएंगे। तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक न एक दुख सबन को
सुखी संत का दास। तो तुलसी सफर मारे तो कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी का चित्त भी उदास है, कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जिसको दुख ना हो? कुछ ना कुछ दुख हर एक को लगा हुआ है, तो सुखी कौन है? कि सुखी संत का दास। तो संत का दास सुखी क्यों है? कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं तो वो हमें अपनी तवज्जो देकर, जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है वो अंदर की ओर कर देते हैं। वो अपनी तवज्जो देकर ये जो शिव नेत्र है, दसवां द्वार है, इसे खोलते हैं। नामदान के समय यही होता है। और फिर अंदर की दुनिया में हम कैसे बढ़ सकते हैं वो हमें समझाते हुए अंदर की दुनिया में अपने साथ लेके जाते हैं। और जो अंदर की दुनिया की खुशियां हैं, जो अंदर की दुनिया का आनंद है, उसको हमारे अंग संग कर देते हैं, ताकि हम उस खुशी और आनंद की अवस्था में जीना शुरू कर दें। जिस ओर हमारा ध्यान होगा वैसे ही हम बनेंगे। बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, दुर्दर्श से भरपूर है, इसीलिए जितना ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है उतना इंसान दुखी होता है। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है। जितना ध्यान उस ओर जाएगा हम खुशियों से भरपूर होंगे और देखेंगे कि ज़िंदगी कितने आराम से गुजरती है। क्योंकि जब हमारी आत्मा अंतर्मुख होती है तो अगली स्टेज क्या है? कि हम इस शरीर से ऊपर उठना शुरू करते हैं, अंदर के मंडलों में अपने सद्गुरु की मदद से प्रवेश करते हैं, और फिर हम उनकी मदद से सचखंड तक पहुँचते हैं, जहाँ पर वो हमें अपने आप में मिलाकर और फिर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं। जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो गया तो हमारी आत्मा खुद ब खुद परमात्मा में बदल गई। तो बाहर की आत्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा, ये स्टेजेस हैं जिनमें से हमने जाना है। इस समय हम एक भारी आत्मा के भागकर जी रहे हैं। हम अंतर आत्मा बन सकते हैं और हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। जो ज़िंदगी है इसमें अगर हम बाहर की चीज़ें देखते रहेंगे तो बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक जगह और वो समझा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। फरमा रहे हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नज़र तना। वो कह रहे हैं जैसे जैसे एक तो देखने वाला हुआ, जैसे हम देखने वाले हैं और हम क्या हम देखते हैं, अच्छा यहाँ बैठे हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, कहीं पर बाहर जाते हैं तो कहीं पे कारें चल रही हैं, कहीं पे स्कूटर चल रहा है, हम देखने वाले हैं, तब नज़ारे देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नज़र तना, कि जो भी हम नज़ारे देख रहे हैं, जो देखने वाला है कुछ देखता है, उसके बाद फिर आप तो अकेले ही रह जाता है, क्योंकि हम अपने आप में हैं, अकेले हैं। हमने ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी सब देखे, फिर वहाँ के वहीं वो कह रहे हैं रहा जमाने तमाशा में दीदा वर्तना।